तो आज अपन जाने वाले बहुत प्यारी जगह पे रानीबाग जा रहे हैं। बचपन की सबकी यादें तो जुड़ी होगी इस चीज से, तो वहाँ पे फटाफट जा रहे हैं। वैसे मैं काफी लेट हो गया हूँ, तो अब ये शूट रास्ते में हो रहा है, बस वेट कर रहे हैं अभी अपन। मैं स्टेशन पे जाऊंगा, बाइकला पहुंच चुके थे, मैं थोड़ी नाश्ता करने के साइड में आया था। अपन यहाँ से बाइकला स्टेशन जाएंगे, बाइकला स्टेशन से पंकज और आकाश को मिलेंगे। नागेश पहुंच चुका है और वहाँ पे फटाफट पहुंच के अपन आगे का प्लान बता दे कैसा रहेगा, तो जल्दी मिलते हैं गाइस। अपन बाइकला, ये अपना पीछे नागेश कैमरा सेट कर रहा है। सो अभी अपन बाइकला पहुंच के दो चंगू मंगू का वेट कर रहे हैं। बेसिकली फुल कंटेंट ओपी होने वाला है आज। मतलब कौन है वो ऐसे ऐसे व्यक्ति ना जो अपन बता नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति लोग हैं, उनकी चर्चा मतलब पूछो ही मत, ऐसे लोग से मैं तुमको आज मिलवाऊंगा। तो अभी उनका वेट करते हैं, फटाफट थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे और मैं जल्दी मिलता हूँ। तो फिर अपनी पब्लिक आ गई, ये पंकज, ये अपना आकाश, वो नागेश अपना आगे आगे जा रहा है। तो बेसिकली अपन आ गए बाइकला, बाइकला से चार नंबर से बाहर लेना है, ब्रिज क्रॉस करना है, मतलब अंडरग्राउंड रास्ता है। वहाँ से ब्रिज क्रॉस करके जैसे बाहर आओगे, स्ट्रेट चलने का, कुछ नहीं करने का, वैसे जैसे स्ट्रेट चलने का, चलने चलने का चलने का, फिर अपने राइट साइड में आ जाएगा रानीबाग, जिसका मतलब अग्राउंड या मंदिर जो भी है, मेरे को पता नहीं, मैं नागेश मिला, बट रानीबाग बोलते सब लोग, तो रानीबाग आ जाएगा। तो अब सीधा मिलते हैं रानीबाग में। तो अपन आ गए जीजाबाई भोसले उद्यान एंड ज़ू, मतलब इन बचपन ने सुना होगा था, तब रानीबाग अपना है। ये देखो, और ये हम इसको लेके जा रहे हैं, हमारा जानवर है गोरिल्ला की एंट्री। और ये हाँ, मैं जिसकी बात कर रहा था, ये महापुरुष वही है जिनकी बातें चाहिए हमारे सुर्खियों में है आजकल, मतलब ऑफिस में भी होती है और ऐसी भी रहेगी। पंकज जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसे लग रहा है यहाँ पे आके? भाई ठीक है, आप अपने आप को गोरिल्ला मत बोलो यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता यार। हमारा गोरिल्ला उधर, यू कैन सी देयर। नहीं नहीं, वो नागे, वो सांप, वो सपोला है, सांप है वो हमारा। तो हम लोग आ गए, तो एंट्री की फीस कितनी होती, क्या होती है, थोड़ा हम लोग जाके बताऊँ मैं आपको। ये सीन ऐसा है कि पिछली बार जब हम लोग आए थे, पानी की बॉटल और काफ़ी सारी चीज़ें अलाउ नहीं थी, और भीड़ भी बहुत है। चलो देखते हैं फिर पटपट, तो मिलते हैं पटक से आपको। पटक से। अपडेट वाला ये है, अडल्ट के लिए 50, बच्चों के लिए भाई फैमिली। भाई मेरे को ये रेसिस्ट चीज समझ में नहीं आ रही, जो बाहर के फॉरेनर लोग आ रहे हैं उनके लिए 400-200 रुपए क्यों लेने हैं? भाई यार, अपना देश देखने आ रहे, रखो सेम प्राइस, खुश होंगे वो भी। बट चलो ठीक है, ये प्राइस है लेटेस्ट नहीं वाली, तो फटाफट हम लोग टिकट लेते हैं अंदर एंट्री जाने की, और फिर बताता हूँ क्या क्या हुआ है नया वहाँ पे। 200 रुपए के हम लोग को टिकट्स आ गए हैं, तो अभी जा रहे हैं एंट्री करने। तुमको एक चीज़ बताऊँ, मतलब ये सब पहले नहीं था। अरे हाँ, ये भी अच्छा था, नजदीक शक्ल अच्छी नहीं आती। ओए चुप हो जा। पेंगुइन देखने आए थे, सच्ची का पेंगुइन, और भाई यहाँ पे पत्थर की मूर्तियाँ रखी है, भाई चुप बनाया हमको। अरे नौकरी वाला मगरमच्छ, मगरमच्छ, और ये हमारा मगरमच्छ गाइस। तो हम लोग अंदर आ गए और बस अब व्यू बहुत सॉर्टेड है। वैसे कैमरा अलाउ नहीं है यहाँ पे, तो नागेश ने उसके गोप्रो रख दिया अंदर, क्योंकि क्योंकि ऐसा हो रहा है कि कैमरा जो है उसके अलग एडिशन 500-600 रुपये ले रहे थे, तो हम लोग लाइक नहीं सही करता है। सो फोन से शूट होगा अभी, जो भी कर रहे हैं हम लोग शूट, और फिर अब देखते हैं। पहले जाके फ्रेश हो जाए अंदर, और अंदर से मैं तो खाना मत लगा, यहाँ पे जो कैफेटेरिया है वहाँ पे खाना एक्सपेंसिव है, तो बाहर से ही चाय नाश्ता करके आना, वो काफ़ी सही रहेगा। सो दैट्स इट, चलो फटफट दिखाता हूँ क्या क्या है। देखो पेंगुइन देखने हैं भाई, पेंगुइन आगे। यू आर हियर, ये अपनी लोकेशन है जहाँ पे अपन रुके हैं अभी। तो इससे अभी अपन डायरेक्ट टर्टल पहले देखेंगे, टर्टल्स के बाद बटरफ्लाई गार्डन है, बट आई गेस कोई लोग बोल रहे बटरफ्लाईज है नहीं, तो अपन ने वो उसके टर्टल के बाद डायरेक्ट क्रोकोडाइल देखते हैं। तो अब जल्द ही मिलते हैं, अपन अभी जा रहे हैं टर्टल्स देखने को। 18-19 पॉइंट है, तो अपन टर्टल्स देखेंगे। टर्टल्स के बाद जो मैं बटरफ्लाई गार्डन टाइप यू कैन से वो है, सो अपन टर्टल्स देखते हैं। मज़ा आता है यार देखने, बचपन की यादें ताज़ा होती है। आइला, ये तो झरना निकला है। ये बेसिकली पहले अलाउ थे, आप घर पे पाल सकते थे इनको, बट लेटर ऑन ये बैन कर दिए गए, आप सिर्फ जू में इनको देख सकते हो।
पता नहीं रीजन क्या था बट अब इट्स एन इलीगल थिंग और आप अगर घर पे रखते हो तो यू टू पे एक्स वाई जेड अमाउंट ऑफ फाइन। यप यहाँ पे देखो ये रहा गया कोने में दिखेगा ये क्रोकोडाइल है ये रहा जो आपने वहाँ पे जो आपने देखा बहुत अच्छा है मुझे तो बहुत मजा आया मेरे 50 रुपए वो अच्छा है काफी रश है बट ये क्रोकोडाइल लास्ट टाइम जो पहले मैंने पाते थे वो एलिगेटर सो वहाँ पे एक वहाँ पे बैठा है और एक देखो यहाँ आराम से मस्त छिल मार रहा है धूप ले रहा है जैसे कि भाई कुछ फर्क ही ना पड़ता हो हम तो भाई मोहिया चिल करने आए हैं। वहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे एक चिल कर रहा है मस्त और एक और था बट वो पता नहीं कहाँ पे है जैसे ग्लिम्स ऑफ व्यू मैं ले नहीं पाया ये रश बहुत है पट्टे रश है तो अब क्या ही करें बट हाँ एंजॉय मतलब पैसे वर्थ इट वाला सीन है कि काफ़ी नई सारी चीज़ें ये लोग लेके आ गए एनिमल्स लेके आए बुरा बात मान लो हम लोग की मस्ती ऐसी चलती रहती है मेरी आकाश की पंकज की हम लोग की बच्चों की ऐसी रहती है हमेशा एक दूसरे की मारते रहते हैं बस समझो यार बस हम लोग ऐसी मस्ती करते रहे हमेशा यार वो दोस्ती का जैसे बेइज्जती ना हो। हाथी देखने को आए और भैंसो हाथी नहीं है यहाँ पूरी जगह पे मतलब है वाओ अंदर देखो वो अंदर देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो दिखा वहाँ पे हाथी है राजा। अब क्या करें भाई हाथी आ ही नहीं रहा बेचारा को गर्मी लग रही है गर्मी में भाई हम लोगों की हालत खराब हो रही है बेचारे हाथी की हालत भी खराब हो गई अब क्या ही करे भैया तो अब मैं संस्कृत नहीं लगा था पंकज की संस्कृत निकल रही है भाई हम तो बोले गले पे सफेद सफेद क्या आ रहा है बाद में बोलता है भाई मेरा संस्कृत निकल रहा है लवारा में सब बहुत छोटी चीज है थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। तो गाइस अगर अब तक की वीडियो सही लगी हो तो भाई अपना प्यार दिखा देना इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा और काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है शायद से हम लोग लेविंगटन जाएंगे लेविंगटन पे काम नहीं हो तो सीधा मरीन ड्राइव चिल मारने जाएंगे इसके बाद अपना डेडू चिक चिक चालू है ये तो लग रहा है वैसे वो किधर की मंदिर की यात्रा रहती है ना उधर वहाँ पे अपन जा रहे हैं तो मंदिर की यात्रा चल रही है अपनी वैसे अपन टिकटिक करके जा रहे हैं तो मतलब क्या यार सीधा डायरेक्ट एंट्री रखो भाई कैमरा लाओ नहीं है बट फिर भी हम लोग निकाल रहे हैं कतरों की खिड़की खिलाड़ी की जैसा गिफ्ट मिली थी छोटी सी बट बहुत प्यारे पेंग मिले बहुत प्यारे हैं तो हम लोग आ गए इधर लाइन नहीं है पर उधर कुछ तो है उधर अरे घास है घास तो लाइन है थी लेकिन बाद में आएगा ये लोहे वाला ये लोग मतलब ना कुछ करने ही नहीं मिल रहा है ठीक है यार ले लो भाई यहाँ पे तो अनबॉक्सिंग भी नहीं करी है रैपर ऐसी लगा रखा है कांच पे टाइगर देख रहे आ रहे पांची पांची टाइगर मिलना चाहिए देखने को यार मतलब मैं तो नहीं क्या ही गए ओ माय गॉड बच्चा हुड़ी हुड़ी बाबा भाई कोने में बैठ गया सिर्फ देखो लगा इतने बड़ी जगह में सिर्फ वो बेचारे को अकेले को रखा यार मतलब इट्स लिटरली अपसेटिंग बट कांट हेल्प इट इवन यू वांट टू हेल्प अनफॉर्चुनेट बट देयर्स ओनली वन बस चैन की नींद मार रहे हैं लोग एकदम चिल वाली नींद दिखेगा नहीं दिखेगा बट यहाँ पे जो कोने में देख सकते हैं कोने में भी एक है वो सो रहा है चिल मार रहा है संडे भाई ये भी संडे एंजॉय कर रहे हैं अपना रिकमेंडेड संडे आने का नहीं भूल के भी नहीं आने का इतना गर्दी रहता है सब साले छुट्टी पे रहते जानवर तो छुट्टी पे रहते हैं। पंकज ऑफिस कर पंकज सबसे बेस्ट स्पॉट यही आज के दिन में मिल रहा है आज तो इधर कॉमन जगह है बैठने के लिए चिल मारने के लिए एकदम और अभी अपन जा रहे हैं टाइगर अपन ने देख लिया काफ़ी रश थी वहाँ पे और चकाल अपन ने देख लिया लेपर्ड भी शायद दिखा होगा तो वो दिखा होगा कैफे अपन नहीं जा रहे हैं हाइना अपने को देखने नहीं मिला बेसिक क्या ही बोले एक्चुअली हाइना देखने को मिल गया अपने को सॉरी माय बैड अभी अपन जा रहे हैं भालू देखने भालू
भाई जैसे अगर जंगल बुक देखोगे तो भाई उसको याद होगा भालू। पंकज वहाँ पे देख सकते हो आप यार, थोड़ा सा वैल्यू है वैल्यू। और ऐसे अब शब्दों का इस्तेमाल ना करें, फैमिली फ्रेंडली हमारी वीडियो होती है, समझा करो। भाई ये प्राइसिंग इधर के अंदर के नाश्ते की मतलब है कॉमन ही, मेरे को लगा था एक्सपेंसिव रहेगा, बट ठीक है। तो आकाश ने पेमेंट कर दी है, बर्गर खा रहे हैं भाई, नाश्ता नहीं किए थे, किए थे थोड़ा बहुत कितने, बट ठीक है। तो थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं, बर्गर के तुमको मिलता हूँ वापस। थोड़ा सा बाहर आ गया भाई, गर्मी इतनी कि भाई देखो जानवर भी बेचारे छाए में बैठे हैं। हाईली सुपर डुपर भेकड़ना ठेकना, क्या संडे को, संडे को नहीं आने भाई, आने सारे सारे चिल मार रहे होते हैं और भाई एक्सट्रीम रश होती है, तो वैसे ही मजा नहीं आएगा, एंजॉय नहीं कर पाओगे, टाइम वेस्ट होगा, गर्मी तो समझ रहे हो, तो संडे नहीं आना है। वाला बंदा है पूछते हैं क्या, अरे बता तो सही, क्या पूछेंगे तू, ऐसा शर्मा रहा है, स्वयंवर नहीं करोगे टीचर मतलब, कोई कोई अगर कोई लड़की अगर इसको पसंद कर दी है तो बोल दो बेचारा सिंगल है, अच्छा शादी करवा देंगे, अच्छा खासा कमा लेता है, और बाकी बायोडाटा भेज देंगे, तो बस हाँ ही बोल दो, जिसको लिंक पीडीएफ में सबमिट कर दो। ये देखो एक बंदर दूसरे बंदर को हाथ मिलाते हुए, भाई नागेश मतलब करते करते हम लोग को मस्त एक चीज मिली, मतलब मैं गाली सुनने वाला हूँ, अलाउ नहीं है, बट देखो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में तुमको दो पैरों वाला हिरण दिखाता हूँ मैं, वो देखो देखो दो पैरों वाला हिरण जो वहाँ पे बैठा हुआ है, दिख रहा है आपको, मतलब टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो चुकी समझ रहे हो कितनी। अरे यहाँ पे भी है, अरे पंकज तुम ऊपर क्या कर रहे हो, अच्छा ये तो नीचे आ गया भाई, जोक सपाट हम लोग की मस्ती चल रही है, बुरा मत मान ला, तुम सोचो कि हम उसको बुली कर रहे हैं, तो बुली बुली वाला सीन कुछ नहीं है, बस बकचोदी चल रही है हम लोग, वो बच्चा है रहा हमारा। पंकज आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप, बेचारे के साथ में क्या क्या स्कैम हो रहा है उसको ही समझ में आ रहा है, बेचारा सोच रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब मैंने कौन सा पाप किया आज के दिन जो मैं ये दो तीन हरामियों के साथ आ गया, हाँ तो दे सकता है, मतलब हरामी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी इतनी फैमिली फ्रेंडली हमारी ये नहीं वीडियो। फूड कोर्ट चिलिंग गाइस, तो खाना भी हम लोग नहीं खा रहे, और वैसे गर्मी काफ़ी हो रही है, मैं रिकमेंड करता हूँ संडे को मत आओ, यहाँ पे काफ़ी रश होता है, काफ़ी लोग रहते हैं, तो तुमको काफ़ी सारी चीज़ें देखने नहीं मिलेगी या फिर बहुत हालत ख़राब हो जाएगी, बट वीकडेज में आओ, वीकडेज में ऑल सॉर्टेड है, दैट्स इट फॉर द डे। अभी हम लोग शायद से लैमिंगटन जाने वाले हैं, आकाश और पंकज को पीसी का सेटअप एंड कोटेशन लेना है, मेरे को भी थोड़ा काम है वहाँ पे, अगर मेरे को कोई चीज़ लेनी है अगर वो मिल गई तो फिर ऑल गुड, नहीं तो फिर चिल मारेंगे मरीन ड्राइव पे, और क्या गाइस अपना घूम फिर के हो गया, मतलब गर्मी से थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी, बट चलता है, ऑलमोस्ट अभी बज रहे हैं, कितना बज रहे हैं, दो बज गए, मतलब हम लोग का प्लान था कि 12-12:30 बजे घर पे जाएंगे रिटर्न, बट दो बज रहे हैं, सो बस आज के लिए इतने, अगर अब तक की वीडियो अच्छी लगी तो भाई अपना प्यार दिखा देना, और दैट्स इट, मैं बस इसी को प्यार दिखाओ यार, लाइक सब्सक्राइब आप सब पे, तो मिलते हैं टिल देन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, लैमिंगटन का प्लान है अगर हुआ तो अपन लैमिंगटन में चिल करेंगे। अपन आ गए ग्रैंड रोड लविंगटन, अभी भाई के शॉप है फिनिक्स शूज करके, तो यहाँ पे पीसी बिल्ड करने वाले हैं अपन आज, पंकज और किसका आकाश का देव नाम भूल जाता हूँ मैं, हरा मिल लोगों, बस थक गए यार गर्मी से हालत खराब, तो फटाफट बिल करते हैं
अभी कंफ्यूजन हो रही है कि कैसे बिल्ड करें, लेकिन एक बजट पे से बिल्ड करने का अपने को नॉर्मल एज एन स्ट्रीमिंग बिल्ड बोल सकते हो, एंट्री लेवल बिल्ड करने का अपने को, बट देखते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन पसंद करते हैं, क्या सेट होता है। चलो तो अपन ने जो स्पेसिफिकेशन दिए वो है राइजन 5 5600G 550 16GB रैम 500GB के NVMe, ये गेमिंग कैमरा 400W का और अपना ऑल ओवर टोटल जा रहा है 32650 दो पीसी बिल्ड करने के। तो अब देखते हैं, मेरे को भी लगेगा हार्ड ड्राइव लेने की है, तो डिसाइड करते हैं कैसे। तो आकाश और पंकज का सिस्टम डिसाइड हो गया कि क्या लेना है, फील्ड उनका बन रहा है, तब तक हम लोग सोचे कि आके नाश्ता कर लेते हैं। मतलब गर्मी काफ़ी हो रही थी, बट चलो ठीक है, छोटा सा ब्रेक चाहिए था, तो अभी अपन आ गए रेस्टोरेंट में फटाफट, अच्छा है नाश्ता करके फटाफट जाते हैं और मैं जल्दी मिलता हूँ नाश्ता करके। पाव भाजी आ गई, अपना आ गया, सांभर चटनी सब आ गया, फटफट तो फटफट खा लेते अभी अपन, एंजॉय करते। तो ये अपना बजट सिस्टम बिल्ड है, B550M का बोर्ड, राइजन 5 5600G, 5100GB की हार्ड ड्राइव और ये 16GB का रैम। तो ये है मेन कॉन्फ़िगरेशन अपने हार्ड ड्राइव की, और जो पावर सप्लाई है वो है गीगाबिट का 650W, तो दो लिया एक 64 बिट दो बिल्ड हो रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं, अच्छा सिस्टम बिल्ड हो गया है, पंकज का भी बिल्ड हो गया, तो जो हार्डवेयर का डिस्क्रिप्शन है वो आप चेक कर सकते हो, वीडियो में मेंशन कर दूंगा और आपने देखी भी होगी भाई। अगर आप तक ये वीडियो सही लगे तो लाइक कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और भाई प्यार दिखा दो, बस प्यार दिखा दो। कुछ कहना चाहोगे? बहुत हैवी है। और पंकज कुछ चलो बाबा, बिगेस्ट स्पॉन्सर, ये स्पॉन्सरशिप लेने वाले और हम छोटे स्पॉन्सर, थैंक यू फॉर योर स्पॉन्सरशिप। और कुछ पैसा दे देना बस। चलेगा, चल बाबा भाई आज के लिए इतना ही, अगर आप तक की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई जो करना है कर दो, अपना प्यार दिखा देना। आज लाइक बहुत मज़ा किया, बहुत काफ़ी टाइम के अंदर रानी बाग गए और पंकज आकाश के लिए अपने सिस्टम भी ले लिए, लाइक दे वहाँ पे घर पे पहुँच गए हैं वो और बहुत ही सही तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, गेम से इंस्टॉल कर रहे हैं। सो अपन मिलते हैं अगले जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, सो बाय।